हेलो एवरीवन, आई एम तनुजा चंदाकर फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। टुडेज अवर टॉपिक इज इंडियन फिलोसोफर स्वामी विवेकानंद। हमारे बहुत सारे भारतीय दार्शनिक थे, जिनमें से है महात्मा गांधी, अरविंद है, और जीजू भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उनमें से एक है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की, मिशन की स्थापना की। तो हम तो सबसे पहले इसका सिनॉप्सिस बनाएंगे इस तरीके से, फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग ऑफ एजुकेशन, देन स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, देन स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, देन स्वामी विवेकानंद ने स्त्री शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए, नेक्स्ट स्वामी जी के शिक्षा दर्शन के क्या गुण थे, नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए, और लास्ट है उपसंहार या कंक्लूजन। तो हम एक एक करके इसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म है वो कलकत्ता में हुआ था। वो रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य में से थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत की स्थापना की और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। वे एक गंभीर विचारक और महान तेजस्वी प्रवक्ता थे। तो ये इनकी एक तरह से क्या है कि स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए भी बहुत सारे प्रावधान दिए कि स्त्री शिक्षा कैसी होनी चाहिए, टीचर्स कैसे होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार टीचर्स कैसे होने चाहिए, शिक्षा दर्शन के गुण कैसे होने चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जी दी जो हम एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पहला आपका आता है, सबसे पहला हमने लिखा है प्रस्तावना। तो इंट्रोडक्शन में आप उनके बारे में कि उन्हें उनका जन्म कब हुआ, कलकत्ता में जैसे हुआ, उन्होंने वो कैसे थे, गंभीर विचारक और महान तेजस्वी थे और तेजस्वी वक्ता थे, और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्यों में से थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना दे सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। नेक्स्ट आप लिखेंगे, अच्छा हाँ, उनकी रचनाएं भी आप दे सकते हैं। उनके कुछ पुस्तकें थी ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, और इनकी हिंदू कर्म धर्म, और इनकी जो मेरे गुरुदेव, इन्हें बहुत सारी उनकी रचनाएं थी जो ये सब है। आप उनकी रचनाएं भी दे सकते हैं, जो ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारी चीजें रचनाएं आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थ, स्वामी जी ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया। तो शिक्षा का अर्थ है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यानी स्वामी जी शिक्षा के लिए उन्होंने ये डेफिनेशन किया कि जो शिक्षा है वो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यानी वो चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा जो मनुष्य के अंदर जितनी अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, उनमें जो भी क्वालिटीज है, जो भी योग्यता है, वो शिक्षा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाए। यानी एक तरह से शिक्षा के द्वारा ही उनकी जितनी भी व्यक्ति है वो बाहर निकले। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है स्वामी जी के अनुसार। देन हमने ये मेंशन किया है शिक्षा के उद्देश्य, स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। इसमें सबसे कौन सा है, चरित्र निर्माण का उद्देश्य। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। नेक्स्ट है विश्व बंधुत्व और मानवता का उद्देश्य। नेक्स्ट है सार्विक विकास का उद्देश्य। नेक्स्ट नैतिक चारित्रिक विकास, नैतिक आध्यात्मिक चारित्रिक विकास का उद्देश्य। नेक्स्ट है व्यावसायिक कुशलता का विकास, और नेक्स्ट है देशभक्ति की भावना का विकास। ये उनके उद्देश्य है। तो इसे हम एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहले आप उद्देश्य इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं,
आज उसे एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे जितना आपके पास टाइम हो। तो चरित्र निर्माण का उद्देश्य, तो स्वामी विवेकानंद जी ये चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बच्चों में एक अच्छे चरित्र का विकास हो, इन्हें उनमें खाली उनको सैद्धांतिक विषय ही ना पढ़ाया जाए या जो उपयोगी कार्य ही नहीं सिखाए, बल्कि एक अच्छा चरित्र, उनमें एक अच्छे चरित्र का भी विकास किया जा सके, जिससे वे एक अच्छा नागरिक, देश का एक अच्छा नागरिक बन सके। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद जी ये चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दी जाए जिससे वो उसे पढ़ने के बाद बेरोजगार न रहे, यानी अपने जीवन यापन के कोई ना कोई जगह खोज सके, यानी कि उनको इस तरीके से व्यावसायिक शिक्षा मिल सके जिसको करके वो उसके लिए उपयोगी हो और उसे पढ़ के वो अपना जीवन यापन में उसके द्वारा कुछ उपयोगी चीजें मिले जिससे वो उसको पढ़ के अपना जीवन यापन कर सके, अपने एक तरह से स्वावलंबी बन सके। नेक्स्ट है विश्व बंधुत्व और मानवता का विकास। ये स्वामी जी ये चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बच्चों में इस तरीके से नैतिक विकास हो कि वो अपने खुद के स्वार्थ को भूल के, यानी जाति, जो जातिगत स्वार्थ होता है, सामुदायिक स्वार्थ होता है, उसको छोड़ के उनमें एकता का विकास हो, विश्व बंधुत्व और मानवता, मानव से प्रेम करे, इस तरीके से उनमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो, उनमें एकता का विकास हो। नेक्स्ट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, स्वामी जी का मानना ये था कि जो शारीरिक दुर्बलता है वही मनुष्य के बहुत सारी दुखों का कारण है, इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास भी, उनको शारीरिक दुर्बलता दूर किया जाए, उनके शारीरिक विकास जैसे खेल कूद, इसके द्वारा उनको शारीरिक विकास भी हो सके, शिक्षा इस तरीके से हो कि उनका शारीरिक विकास भी हो सके। नेक्स्ट है नैतिक चारित्रिक विकास। नैतिक चारित्रिक विकास, यानी बच्चों को शिक्षा के द्वारा कुछ मॉरल चीजें सिखाई जाए, यानी कहानी के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, यानी उन्हें नैतिक चारित्रिक आध्यात्मिक, यानी ऐसा नहीं है कि खाली बहुत लौकिक चीजों का ही ज्ञान दिया जाए, बल्कि बच्चों को अलौकिक जगत का भी शिक्षा दी जाए, यानी वो भगवान में आस्था रखे, यानी नैतिक चारित्रिक उनको मॉरल चीजें सिखाई जाए जिनमें एक अच्छा नैतिक चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास बच्चों में शिक्षा के थ्रू हो सके। नेक्स्ट है व्यावसायिक कुशलता का विकास। व्यावसायिक कुशलता का मतलब है कि शिक्षा के थ्रू बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी सुविधा हो जिससे वो कुछ सीख सके, शिक्षा काल के द्वारा ही वो कुछ सीख सके और बाद में अपना जीवन यापन, शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना जीवन यापन भी वो कर सके। नेक्स्ट है देश प्रेम की भावना का विकास। देश प्रेम की भावना का विकास, यानी बच्चों को, यानी स्टूडेंट को शिक्षा के द्वारा इस तरीके से शिक्षा दी जाए जिससे वो देश प्रेम, जिसमें वो देश प्रेम की भावना उनमें हो, वो देश का एक अच्छा नागरिक बन सके, सुयोग्य नागरिक बन सके और देश के विकास के लिए अच्छे कुछ कार्य कर सके। स्वामी जी ने शिक्षण विधि भी बताई, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। तो स्वामी जी के अनुसार शिक्षण विधि तर्क द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, मौखिक द्वारा, इस तरीके से शिक्षण विधि, और उन्हें केंद्रीकरण विधि बताई जिससे मन को एकाग्र करके केंद्रीकरण विधि से भी उन्हें शिक्षा दी जाए। एक समन्वय विधि, यानी कि विषयों को समन्वय करके पढ़ाया जाए, तो उन्होंने कुछ विधियां दी है। तो ये थी स्वामी जी के शिक्षण विधि। तो आप ये विधि भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि उन्होंने कौन कौन सी विधियां दी थी। स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा के बारे में भी अपने ओपिनियन दिए थे। तो स्त्री शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो स्वामी जी का मानना ये था कि जिस देश में स्त्री सुखी नहीं है उस देश का विकास नहीं हो सकता। यानी उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया था, स्त्रियों की जल्दी शादी करने का भी उन्होंने विरोध किया था। तो उनका मानना ये था कि जिस देश में स्त्रियां शिक्षित होगी उस देश का विकास भी उन्नत होगा। तो उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी उन्होंने बहुत ही बल दिया था, उन्होंने लगाया था, ये एफर्ट लगाया था कि स्त्री शिक्षा अच्छी होनी चाहिए देश की। तो
सभ्यता का विकास तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे देश शिक्षा के द्वारा बच्चों में देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता का विकास हो, वह अपने खुद के स्वार्थ को छोड़ के राष्ट्र के लिए, देश के लिए सोचे और उनका विकास करे। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन पर बल। तो स्वामी जी ने जीविकोपार्जन पर बल दिया था, उन्होंने चाहते थे कि शिक्षा में खाली सैद्धांतिक विषय न हो के बच्चों को शिक्षा इस तरीके दी जाए उनका सभी ढंग का विकास हो, वो शिक्षा ग्रहण करके कोई भी बेरोजगार न रहे, ये चाहते थे। नेक्स्ट है दूरवर्ती शिक्षा पर बल। दूरवर्ती शिक्षा पर बल का मतलब ये है कि स्वामी जी ये चाहते थे अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं आ सकता तो उनका मानना ये था कि पढ़ाई को बच्चे तक जाना चाहिए, यानी उन्होंने दूरवर्ती शिक्षा पर बल दिया था। नेक्स्ट है योग्य शिक्षकों पर बल। तो स्वामी जी चाहते थे कि जो शिक्षा देने वाला जो शिक्षक है, टीचर है, वो योग्य हो, वो शास्त्रों का ज्ञाता हो, वो बच्चों को स्नेह और सहानुभूति देने वाला हो, यानी वो एक तरह से योग्य हो, उनमें योग्यता होनी चाहिए जिससे वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। उन्होंने योग्य शिक्षा शिक्षकों पर बल दिया। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा के बारे में हमें अभी एक्सप्लेन किया था कि स्वामी जी ये चाहते थे कि स्त्रियों के जिस देश की स्त्रियां अनपढ़ होती है, इनकी जिस देश में स्त्रियां शिक्षित होती है उस देश का विकास भी सही नहीं हो पाता, इसलिए देश की स्त्रियों को भी शिक्षित होनी चाहिए जिससे देश का सही विकास हो सके। उन्होंने आगे यह भी दिया था कि शिक्षक कैसे होने चाहिए, हमने ये भी मेंशन किया हुआ है। तो शिक्षक कैसे होने चाहिए, जो शिक्षक है वो किस तरीके होने चाहिए, तो उन्होंने शिक्षक के बारे में बताया है शास्त्रों का ज्ञाता हो, निष्पापता हो और त्याग भाव हो, शिष्य के प्रति प्रेम करने वाला है। तो निष्पापता का मतलब ये है कि शिक्षक अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए जिसका अनुकरण करके बच्चों में भी अच्छे चरित्र का विकास हो। शास्त्रों का ज्ञाता हो, टीचर्स कैसे हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, यानी जिस सब्जेक्ट की का वो ज्ञान दे रहा है बच्चों को उसका वो ज्ञाता हो, उन्हें उस चीज में योग्यता हो कि जो चीज वो बच्चों को ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहा है, उसमें वो खुद भी योग्य हो जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, और शिक्षा प्रेम और सहानुभूति वाला हो, यानी कि बच्चों में वो प्रेम और सहानुभूति रखे। तो ये हमने एक्सप्लेन किया है स्वामी जी के जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो, और शिक्षा दर्शन के क्या गुण थे ये, और स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा पर भी अपने ओपिनियन दिए थे। स्वामी जी ने शिक्षक कैसा हो उस पर भी उन्होंने अपने ओपिनियन दिए थे, और स्वामी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी हो ये भी उन्होंने अपने बताया। तो ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन किया है, और लास्ट आप उपसंहार या कंक्लूजन दे सकते हैं। तो उपसंहार में आप ओवरऑल आपने स्वामी जी के बारे में पढ़ा, जो भी हमने बताया अभी स्वामी जी कैसा चाहते थे, स्वामी जी की रचनाएं कौन कौन सी थी, जैसे योग धर्म, कर्म धर्म, भाव धर्म, ये इनकी जो जितने उनकी रचनाएं थी, और मेरे गुरुदेव, ये सारी इनकी रचनाएं थी वो आप दे सकते हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए क्या ओपिनियन दिया है, उनके द्वारा शिक्षक कैसे होने चाहिए, उनके द्वारा शिक्षक के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो ओवरऑल आप उपसंहार में इस तरीके से लिख सकते हैं। और लास्ट आपका आता है रेफरेंस या उस संदर्भित ग्रंथ जिसको बोलेंगे, उसमें आप जो उनकी राइटर है पायल भोला जैन तो उसको आप लिख सकते हैं पायल भोला जैन। और ये तो हो गया आपका संदर्भित ग्रंथ, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है करिकुलम, तो ये करिकुलम का जो संदर्भित ग्रंथ सूची में आप पायल भोला जैन, हर क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में आप पायल भोला जैन मेंशन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।